उत्सव है खुशियों का, ये उत्सव है रोशनी का, ये उत्सव है बरकत का और ये उत्सव है माँ महालक्ष्मी का। नमस्कार, मैं दिशा, आप सभी को मेरी और BCN की संपूर्ण टीम की ओर से BCN न्यूज के बरकती दिवाली के तहत लक्ष्मी पूजन की ढेर सारी शुभकामनाएं। दर्शकों, हिंदू धर्म में दीपावली बड़ी ही धूमधाम से मनाई जाती है। दीपावली भारत के सबसे बड़े और सर्वाधिक महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। दीपावली दीपों का त्योहार है। आध्यात्मिक रूप से यह अंधकार पर प्रकाश की विजय को दर्शाता है। परंतु दिवाली क्यों मनाई जाती है, इसके पीछे अलग अलग कथाएं प्रचलित हैं। दीपावली का पर्व विशेष रूप से माँ लक्ष्मी के पूजन का पर्व होता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि कार्तिक माह की अमावस्या को ही समुद्र मंथन से माँ लक्ष्मी प्रकट हुई थी, जिन्हें धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुख समृद्धि की देवी माना जाता है। अतः इस दिन माँ लक्ष्मी के स्वागत के लिए दीप जलाए जाते हैं, ताकि अमावस्या की रात के अंधकार में दीपों से वातावरण रोशन हो जाए। दूसरी मान्यता के अनुसार इस दिन भगवान रामचंद्र जी माता सीता और भाई लक्ष्मी के साथ 14 वर्षों का वनवास समाप्त कर घर लौटे थे। श्री राम के स्वागत हेतु अयोध्या वासियों ने घर घर दीप जलाए थे और नगर भर को आभायुक्त कर दिया था। तभी से दीपावली के दिन दीप जलाने की परंपरा है। 5 दिवसीय इस पर्व का प्रमुख दिन लक्ष्मी पूजन अथवा दीपावली होता है और कई जगह इस बात की मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण ने राक्षस नरकासुर का वध करके प्रजा को उसके आतंक से मुक्ति दिलाई, तो द्वारका की प्रजा ने दीप जलाकर उन्हें धन्यवाद दिया और तभी से ये दीपोत्सव यानी दीपावली मनाई जाती है। इन पौराणिक कथाओं की तरह एक ऐसी ही कथा है जिसका महत्व अधिक है। हर साल दीपावली के मौके पर लक्ष्मी के साथ गणपति जी की पूजा क्यों की जाती है, इस सवाल का जवाब पुराणों में है। पुराणों में कहा गया है कि माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से इतना प्रेम करती है कि जब जब विष्णु ने धरती पर अवतार लिया है, तब तक लक्ष्मी ने उनकी प्रेमिका या पत्नी बनकर उनके साथ अवतार लिया है। पुराणों में यह भी दर्ज है कि माँ लक्ष्मी तभी प्रसन्न होती है जब उनके साथ विष्णु की भी पूजा की जाए। माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए विष्णु की भी पूजा करना बेहद जरूरी है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि हर साल दीपावली के मौके पर लक्ष्मी के साथ गणपति को क्यों पूजा जाता है, क्यों लक्ष्मी की पूजा उनके पति विष्णु के साथ नहीं होती। हर साल दीपावली पर आप लक्ष्मी गणेश का विधिवत पूजन करते होंगे। कभी ना कभी आपके जहन में यह सवाल जरूर आया होगा, तो चलिए इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। दीपावली पर लक्ष्मी पूजन के पीछे उद्देश्य तो आप लोग जानते ही होंगे। हर कोई माँ लक्ष्मी को दीपावली पर प्रसन्न करना चाहता है और माता से उनके निवास स्थान पर बस जाने की कामना करता है, ताकि उनका परिवार फलता फूलता रहे। वही गणेश जी को बुद्धि का देवता कहा गया है, साथ ही विवेक का देवता भी कहा गया है। गणेश जी को 2 पत्नियां हैं, रिद्धि और सिद्धि, 2 ही पुत्र हैं, शुभ और लाभ। शुभ और लाभ गणपति के साथ साथ माँ लक्ष्मी से भी जुड़े हैं। लाभ के बिना लक्ष्मी का आगमन नहीं हो सकता और लाभ शुभ समय में ही होता है, यानी कि शुभ और लाभ के आगमन से ही लक्ष्मी का आगमन होता है। इसके बाद आता है गणपति का काम। शुभ और लाभ के आगमन से जब लक्ष्मी घर में आती है, तो उस लक्ष्मी को संभालने के लिए विवेक और बुद्धि की आवश्यकता पड़ती है। जी हाँ, कहते हैं कि लक्ष्मी को एक जगह पर रोकना बिल्कुल भी संभव नहीं है। अगर कोई लक्ष्मी को एक जगह रोके रखना चाहता है, तो उसे बुद्धि और विवेक की बेहद जरूरत है, जो कि उसे भगवान गणेश के आशीर्वाद से ही मिल सकती है। इसलिए माता लक्ष्मी को अपने घर पर रोके रखने के लिए गणपति पूजा की जाती है और उनसे बुद्धि और विवेक का वर मांगा जाता है। इसके अलावा एक और प्रमुख कारण है जो कि दीपावली के दिन लक्ष्मी के साथ गणेश की पूजा होती है, और यह कारण है गणपति के लक्ष्मी जी के पुत्र होने का। जी हाँ, गणपति को लक्ष्मी का मानस पुत्र माना गया है। मानस संतान वो संतान होती है जो इच्छा से प्राप्त होती है, संभोग से नहीं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि गणपति तो पार्वती के पुत्र है, ऐसे में लक्ष्मी पुत्र कैसे हो सकते हैं? चलिए आपको इस सवाल का जवाब देते हैं। दरअसल पुराणों में दर्ज कहानी के अनुसार एक बार भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से यह बात कही है कि कोई भी नारी पूर्ण तब होती है जब उसकी कोई संतान हो, लेकिन महालक्ष्मी की कोई भी संतान नहीं थी और वह माँ पार्वती के पास मदद के लिए गई। माँ पार्वती के सौभाग्य से 2 पुत्र थे, गणपति और कार्तिकेय। जब लक्ष्मी ने पार्वती से विनती की, उनकी मदद करने की बात कही, तो पार्वती माता ने अपने पुत्र गणेश को लक्ष्मी को सौंप दिया।
पार्वती माता ने लक्ष्मी माता से कहा कि आज से गणेश मेरा और आपका दोनों का ही पुत्र है। हालांकि पार्वती बखूबी जानती थी कि लक्ष्मी एक जगह पर नहीं रहती, इसलिए वह गणपति का ख्याल नहीं रख पाएगी। लेकिन लक्ष्मी की हालत देखकर पार्वती माँ ने उनकी मदद दी, जिसके बाद लक्ष्मी माता ने पार्वती माँ से यह वादा किया कि वह गणपति का हमेशा ख्याल रखेंगी। लक्ष्मी माँ ने कहा कि जब जब मेरी पूजा होगी तब तक गणपति का पूजन भी साथ होगा और इसी के बाद ही मेरी पूजा संपूर्ण समझी जाएगी। यही वजह है कि दीपावली के दिन लक्ष्मी के साथ साथ उनके पुत्र गणेश की भी पूजा की जाती है। दिवाली के इस पावन पर्व का हम सब पूरे साल से बड़ी ही बेसब्री से इंतजार होता है, खासकर बच्चों को। भारतवर्ष में मनाए जाने वाले सभी त्योहारों में दीपावली का सामाजिक और धार्मिक दोनों दृष्टि से अत्यधिक महत्व है। इसे सिख, बौद्ध तथा जैन धर्म के लोग भी मनाते हैं। जैन धर्म के लोग इसे महावीर के मोक्ष दिवस के रूप में मनाते हैं तथा सिख समुदाय इसे बंदी छोड़ दिवस के रूप में मनाता है। दीपावली के दिन घी के दीपक जलाए जाते हैं। कार्तिक मास की सघन काली अमावस्या की यह रात्रि दीयों की रोशनी से जगमगा उठती है। भारतीय प्रतिवर्ष यह प्रकाश पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। भारतीयों का विश्वास है कि सत्य की सदा जीत होती है, झूठ का नाश होता है। दीपावली स्वच्छता व प्रकाश का पर्व है। कई सप्ताह पूर्व ही दीपावली की तैयारियां आरंभ हो जाती है। लोग अपने घरों, दुकानों आदि की सफाई का कार्य आरंभ कर देते हैं। घरों में मरम्मत, रंग रोगन, सफेदी आदि का कार्य होने लगता है। लोग दुकानों को भी साफ सुथरा कर सजाते हैं। बाजारों में गलियों को भी सुनहरी झंडियों से सजाया जाता है। दीपावली से पहले ही घर, मोहल्ले, बाजार सब साफ सुथरी व सजे धजे नजर आते हैं। दीपावली के दिन घरों में सुबह से ही तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं। बाजारों में खिल, बताशे, मिठाइयाँ, खान के खिलौने, लक्ष्मी गणेश आदि की मूर्तियाँ बिकने लगती है। स्थान स्थान पर आतिशबाजी और पटाखों की दुकानें सजी होती है और सुबह से ही लोग रिश्तेदारों, मित्रों, सगे संबंधियों के घर मिठाइयाँ व उपहार बांटने लगते हैं। दीपावली की शाम लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा की जाती है। पूजा के बाद लोग अपने अपने घरों के बाहर दीपक व मोमबत्तियां जलाकर रखते हैं। चारों ओर चमकते दीप अत्यंत सुंदर दिखाई देते हैं। रंग बिरंगे बिजली के बल्बों से बाजार व गलियां जगमगा उठते हैं। बच्चे तरह तरह के पटाखों व आतिशबाजियों का आनंद लेते हैं। रंग बिरंगी फुलझड़ियां, आतिशबाजियां व अनार के जलने का आनंद प्रत्येक आयु के लोग लेते हैं। देर रात तक कार्तिक की अंधेरी रात पूर्णिमा से भी अधिक प्रकाशयुक्त दिखाई पड़ती है। जीवन खुशियों से भरा हो, हर काम सफल रहे, हर विश्वास पूरा हो और लक्ष्मी जी पूजन से आपके जीवन में बरकत आए, इसी कामना के साथ मैं दिशा लेती हूँ आपसे विदा। फिर एक बार आपको मेरी और BCN की संपूर्ण टीम की ओर से BCN न्यूज के बरकते दिवाली के तहत लक्ष्मी पूजन की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।